हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ में आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी के इस आरोप पत्र में 50 से अधिक बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकार के खिलाफ में भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का आरोप भी लगे हैं। दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने इन आरोप पत्र में की घोषणा 9 जुलाई को की थी और आरोप पत्र के संयोजक अजय चंद्राकर, सह संयोजक ओपी चौधरी और प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा समिति के सदस्यों की ओर से बनाया गया था। आरोप पत्र में भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के साथ ही सरकार की विफलताओं के मुद्दों पर अधिक फोकस किया गया है और इन सभी विषयों को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। छत्तीसगढ़ में गुजरात से प्रवासी कार्यकर्ता करकर आया था। दूसरा चुनाव था, मुझे याद है, रमन सिंह जी को कोई रमन सिंह नहीं कहता था, चावल वाले बाबा कर पूरा छत्तीसगढ़। हमने अनाज को, हमने धान को गरीब की झोंपड़ी में पहुंचाने का काम किया और मोदी जी ने जब धान बेचना शुरू किया कोरोना के कालखंड में 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज भेजा, ये 5 किलो अनाज ये भूपेश बघेल चालू कर गए और 15 किलो की जगह सिर्फ 10 किलो अनाज लेकर गरीबों का अनाज छीनने का काम, धान छीनने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार। कौशल उन्नयन का काम भूपेश बघेल ने कौशल उन्नयन को चालू रखा, मगर किस चीज का? छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुबई भेजकर ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग करकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का कौशल उन्नयन दिया। छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ नहीं आया। हमारे बच्चों को रोजगारी चाहिए या जुए की लत लगानी? अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों को गुमराह करने वाली सरकार, और मुझे विश्वास है घबराए रोज कहते हैं एजेंसियां ये करेंगी वो करेंगी। अरे भैया, आपने अगर ये करा है तो एजेंसी अपना काम जरूर क्यों डरे हो गए? हमारे कोई नेता महादेव एक्शन नहीं करे। तो छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के खिलाफ में आरोप पत्र जारी किया है और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और अभी जो मुद्दे हैं, जो सरकार ने जनता से वादे किए थे, वो वादे सरकार पूरी नहीं कर पाई है। तो ये आरोप पत्र देखिए किस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी कर रहे हैं। उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ में मौजूद है और इस बीच में राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, उन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो दो पार्टी के दो बड़े दिग्गज आज छत्तीसगढ़ की धरती पर हैं और एक दूसरे पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ में आरोप पत्र जारी किया है तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड अनिल पुष्कर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक तरफ केंद्र के जो गृहमंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने सरकार के खिलाफ में आरोप पत्र जारी किया और सरकार के खिलाफ में कई गंभीर आरोप लगाए, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे जनता से उनमें से कई वादे हमने पूरे किए हैं, हमने किसानों को जो कर्ज है वो माफ किया है, बिजली का बिल हाफ किया है। अब इन दोनों राजनेताओं के बयान पर जनता पर कितना असर होने वाला है और जनता कैसे देखेगी?